नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। कानपुर शहर में उस वक्त सनसनी मच गई जब पांडव नगर में नीरछीर चौराहे के पास भाजपा विधायक सुरेंद्र मैथानी के घर के बाहर से सूरज तिवारी निवासी जयप्रकाश नगर और डबल पुलिया कच्ची बस्ती निवासी गौरव निषाद और सुमित सोनकर नाम के तीन बदमाशों को पकड़ा गया। आरोप है कि रात करीब 8:30 बजे विधायक के घर के बाहर हंगामा तब शुरू हुआ जब तीन बदमाशों ने विधायक के घर के मुख्य द्वार से अंदर घुसने का प्रयास किया। विधायक के घर तैनात सुरक्षा कर्मियों और पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से तीनों बदमाशों को पकड़ लिया है। घटना की सूचना मिलते ही पांडव नगर चौकी प्रभारी आनंद प्रकाश ने मौके पर पहुंचकर आरोपियों के पास से बम और तमंचा बरामद कर लिया है। पुलिस बदमाशों से पूछताछ कर रही है। भाजपा जिला अध्यक्ष सुनील बजाज ने पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर मामले की गंभीर जांच करने की मांग की है। घटना की खबर लगते ही सैकड़ों लोगों की भीड़ चौकी पर जमा हो गई। अनहोनी की आशंका से चौकी इंचार्ज ने आरोपियों को जब चौकी से थाने ले जाने का प्रयास किया, वैसे ही भीड़ ने बदमाशों की पिटाई शुरू कर दी। विधायक ने दावा किया है कि बीते दिनों से उनकी रेकी की जा रही थी, जबकि पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आ रहा है कि पुलिस की चेकिंग से बचने के लिए बदमाश विधायक के घर वाली गली में घुस गए थे और वहीं पर पकड़ लिए गए थे। हाँ, मैं रोज शाम को इसी समय पर यहाँ अपने घर के बाहर टहलता हूँ और मैं टहल करके जैसे ही अपने दरवाजे के अंदर गया तो यहाँ बड़ी तेज आवाज़ आई, यहीं पे बम फेंका गया, यहीं पर कट्टा वो हुआ और कट्टा पकड़ा गया और तीन लोग यहाँ दौड़ा करके पब्लिक में पुलिस ने पकड़ा। ये मैं आश्चर्यचकित रह गया कि कैसी घटना मेरे घर के बाहर। मैं भी थोड़ी देर के लिए दहशत में आ गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी आशंका के कारण से कोई ऐसी बात हो। मैंने यहाँ थाने में बोला है कि मैंने कहा देखिए इसकी ठीक प्रकार से जांच कर लीजिए कि मुझे नहीं लगता कि कोई इस प्रकार की जघन्य अपराध करने का प्रयास कर सकेगा, लेकिन ये जांच का विषय है, जांच कर लें और अगर ऐसा कुछ है तो फिर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ देखिए, रोज़ मैं यहाँ पर 8:15 बजे टहलने के लिए निकलता हूँ अपने घर के बाहर इस गली में और बिल्कुल मैं 9 बजे तक लगभग अपने घर में हो जाता हूँ। आज मैं लखनऊ से लौटा और लगभग 8:25 पे टहलने के लिए निकला, थोड़ी थकान हुई मुझे, तो मैं 8:35 पे 8:36 पे अपने घर के अंदर जैसे ही दरवाज़ा खोल करके मैं अंदर गया तो यहाँ बाहर तीन लोग दौड़ते हुए दो तीन लोग आए और उन्होंने यहाँ बम फेंका। अब बम फेंक करके तब तक कट्टा लेके पुलिस, चूँकि बगल में 2 कदम पे पुलिस है, तो पुलिस ने भी, मैं धन्यवाद दूंगा पुलिस को कि तुरंत अर्जेंट पुलिस ने उनको पकड़ लिया और पब्लिक ने भी यहाँ दौड़ा के पकड़ लिया। हो हल्ला मचा, मुझे नहीं पता कि ये क्या घटना है, किस कारण से हुआ, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए दहशत में आ गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसी आशंका हो जिससे कोई मेरे ऊपर अटैक करना चाहता हो। हालांकि मेरी किसी से दुश्मनी नहीं, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में हूँ और कानपुर में चूंकि लोगों ने ज़्यादा आशीर्वाद दिया हुआ है, इसलिए किसी अन्य आशंकाओं से भी इसको अलग नहीं कर सकता। और मैंने थाने में बोला है, मैंने कहा देखिए भाई अगर कोई ऐसी घटना है तो उसकी जाँच कर लीजिए और जाँच करने के बाद जो आवश्यक हो उसकी कार्रवाई करें। खबर समाज जगत के लिए कानपुर से मुकेश दीक्षित की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.